नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हुंडई ग्रैंड आई 10 का मैग्ना वेरिएंट। और भाई ये है सीएनजी में हुंडई की सबसे सस्ती गाड़ी है ये। इससे सस्ती कोई भी गाड़ी नहीं है हुंडई के पास। पहले सेंट्रो आती थी लेकिन अब सेंट्रो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। और भाई अगर इसके कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो 1200 सीसी में जो गाड़ियाँ मिलती हैं उनमें भी ये जो वेरियंट है हुंडई ग्रैंड आई 10 का ये सबसे ऊपरी बैठता है। इसमें जो फीचर मिलते हैं और इसका जो लुक है, जो इसका डिज़ाइन है, उसके अकॉर्डिंग बाकी गाड़ियां सब पीछे रह जाती हैं। मैं हूं इस वक्त सावन हुंडई सिवा पानीपत में। यहां पे 8,12,000 की पड़ती है ऑन रोड। अगर इसके फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में इसमें ये ग्लोसी ब्लैक इसके जो रेडिएटर ग्रिल है वो मिलेगी। यहां पे आपको ये DRL मिल जाएगा और ये जो इसका साइड वाला पार्ट है ग्रिल का ये भी आपको ग्लोसी ब्लैक मिलेगा। यहां पे हुंडई का बड़ा सा लोगो मिल जाएगा। ये है इसका हेडलैम्प। हेडलैम्प भी इसमें भाई इस टाइप का दिया गया है। ये देखो इसका डिज़ाइन, जैसे यहाँ से ये नुकीला सा बन के आया है इसका हेडलैम्प, ये यहाँ पे आगे ख़त्म नहीं हो गया। ये देखो ऐसे कंटिन्यू हो गया जाएगा, बम्पर में भी यहाँ तक आगे मर्ज होगा, अच्छे से मर्ज हो जाता है इसका जो डिज़ाइन है। तो हुंडई ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है, थोड़ा आपको प्रीमियम फील कराएगी। ये नहीं है कि आप बेस मॉडल ले रहे हैं या सबसे सस्ती उनकी गाड़ी उठा रहे हैं तो भाई ऐसा डिज़ाइन बना दिया, ऐसा नहीं मिलेगा इसमें। जो इसका अंदर का पार्ट है हेडलैम्प का वो आपको स्मोकी ब्लैक मिलेगा। यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। इसमें एक आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा और एक मिलेगा पार्किंग के लिए। यहाँ पे आपको सिंपल ये इंडिकेटर है जो उसके लिए बल्ब मिल जाएगा। नीचे इसमें कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता। ये था इसका फ्रंट। अब इसकी साइड की बात करूँ तो ये है इसकी साइड प्रोफाइल। साइड में अगर इसके टायर की बात करूँ तो इसमें आपको 14 इंच का टायर साइज़ मिलेगा। 165/70R14 का इसका टायर का साइज़ है। ये इसमें स्टील रिम मिलेगा आपको और यहाँ पे आपको कवर भी मिल जाएंगे इसमें सिल्वर कलर के। सिंपल से ये कवर मिल जाते हैं। और भाई अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये देखो इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो फेंडर के ऊपर मिलेगा, वो RVM के ऊपर नहीं मिलेगा। मैग्ना वेरिएंट है भाई ये, बेस वेरिएंट है। लेकिन इसमें भी आपको ये थोड़ा देखो इसका डिज़ाइन देखो किस टाइप से मिलेगा। क्रेटा में भी ऐसा ही आपको मिलता है, जो इनका सबसे बेस वेरिएंट है, सबसे छोटी गाड़ी है हुंडई की, उसमें भी सेम वो दे रहे हैं आपको। ये नहीं है कि यहाँ पे आपको वैसा लगा दिया। बेस मॉडल में होता है ऐसी डब्बी सी लगा देते हैं वो ऑरेंज से कलर की और वो अजीब सा लगता है भद्दा सा देखने में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात करें तो ये इसके ORVM है। बॉडी कलर इसमें आपको ORVM मिलेंगे। ऑटो फोल्ड नहीं मिलेंगे लेकिन ऑटो एडजस्टेबल मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे आपको। अब अगर पीछे बात करूं तो ये है इसका डोर हैंडल। यहाँ पे आपको एक की होल मिल जाएगा। ये आपको बी पिलर है जो बॉडी कलर मिलेगा। पीछे बात करूं तो यहाँ पे आपको ग्रैंड आई 10 लिखा मिलेगा, G i10। अब भाई इसकी बात करता हूँ मैं रियर की। आपको यहाँ पे वाइपर नहीं मिलेगा, ना इसमें डिफोगर मिलेगा, ना इसमें आपको वॉशर वगैरह मिलेगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टॉप लैंप ऊपर और यहाँ पे आपको एंटीना भी मिलेगा मैग्ना वेरिएंट में। अगर नीचे बात करूँ तो ये ग्रैंड आई 10 यहाँ पे लिखा गया, बड़ा बड़ा हुंडई का लोगो है, बड़ा बड़ा लिखा गया है नियोस और बीच में आई है जो ब्लू कलर का दिया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक कार हो लेकिन नहीं है। यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। 2 इसमें आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे बम्पर के ऊपर। बॉडी कलर इस पर आपको पीछे वाला मिल जाएगा इसका बम्पर। यहाँ पे आपको फ्यूल फिलर कैप मिलेगा, बस इस साइड और कुछ चेंज नहीं है, सारा कुछ सेम है। अब बात करूँ उसके इंटीरियर की, एक्सटीरियर में तो कुछ था नहीं भाई इतना कुछ। अब इसको करता हूँ अनलॉक। ये इसमें की दी जाएगी आपको, सिंपल एक फोल्डेबल की मिलेगी और एक ये आपको मिल जाएगी सिंपल वाली की। यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे तो ये है भाई इसका इंटीरियर। इंटीरियर इसमें ड्यूअल टोन मिलेगा, सेम आपको जैसा स्पोर्ट में मिलता है सेम वैसा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको ये लाइट ग्रे मिलेगा, ये आपको डार्क ग्रे मिल जाएगा। सेम वही डिज़ाइन यहाँ पे मिलेगा, पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे, ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे। डोर हैंडल इसमें ब्लैक कलर का मिलेगा। 1 लीटर की बोतल रखने के लिए यहाँ पे स्पेस है। एक आपको मिल जाएगा नीचे की तरफ स्पीकर। अब बात करते हैं इसकी सीट की, तो सीट इसमें आपको ये मिलेगी 6 वे एडजस्टेबल। इसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगी और आपको ये फैब्रिक सीट मिलेगी। इसके ऊपर प्लास्टिक है। को पैसेंजर साइड की जो सीट है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसा आपको इसमें फैब्रिक मिलेगा, ये इसमें डिज़ाइन मिलेगा इस टाइप का। और भाई ये भी लाइट कलर की मिलेंगी आपको चारों सीटें। पूरा आपको इसमें सेम वही जो ये टच दिया गया ना यहाँ पे ग्रेस कलर का, सेम वैसा सही यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। की को रखते हैं भाई यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके जो इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी आपको सेम वैसा ही मिलेगा, ड्यूअल टोन मिलेगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। नीचे आपको ये लाइट ग्रे कलर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये मिलेगा थोड़ा प्लेन टेक्सचर मिलेगा और यहाँ पे ये रफ मिलेगा, ऊपर भी रफ मिलेगा। यहाँ पे इस पे ये डिज़ाइन मिल जाएगा, ये डिज़ाइन सेम आपको यहाँ भी मिलेगा और ये डिज़ाइन आपको सेम यहाँ भी मिलेगा और ये इस डोर पे भी मिलेगा। पीछे वाले डोर्स पे भी आपको ये सेम डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है आपका फ़ोन वगैरह रखने के लिए। ये इसका जो को पैसेंजर साइड का एसी का वेंट है वो आपको राउंड शेप में मिलेगा और जो बीच वाले हैं बीच में आपको ये मिल जाएंगे, थोड़े इस टाइप के मिलेंगे, स्क्वायर तो नहीं बोल सकते,
थोड़ी मतलब इनकी शेप है वो अलग टाइप की मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, इसमें आपको सिंपल म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, छोटी सी बीच में डिस्प्ले दी गई है, ये इसके फिजिकल बटन मिलेंगे, यहाँ पे ट्यूनिंग के लिए है, ये है इसकी पावर को पावर ऑन ऑफ के लिए और वॉल्यूम के लिए कुछ फिजिकल बटन ये यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपको रफ ब्लैक मिलेगा, पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा, ये आपको मैनुअल इसका एसी मिलेगा, ये बीच में इसका दिया गया ब्लोअर की स्पीड के लिए, यहाँ पे दिया गया है इसके मोड्स के लिए, ये नॉब दिया गया है टेम्परेचर के लिए, दो स्विच दिए गए हैं। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिलेगा, ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा, ये आपको पूरा ग्रे टेक्सचर मिलेगा साइड में, जो गियर लीवर है उसके साइड में, 5 स्पीड का इसमें आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलेंगे, थोड़ा स्पेस यहाँ मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा। ये हो गई भाई इसकी सेंटर की बात। अब अगर इधर बात करूँ तो सेम आपको डोर पैनल मिलेगा, जो इसका ड्राइवर साइड का था सेम थीम मिलेगा, सेम इस पर कंट्रोल्स मिलेंगे, पावर विंडो का कंट्रोल, डोर लॉक अनलॉक के लिए, यहाँ पे ये डोर को बंद करने के लिए, नीचे 1 लीटर की बोतल और स्पीकर सेम मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो भाई ये आपको कूल्ड नहीं मिलता, इसमें सिंपल मिलता है IRVM इसका मैनुअल मिलेगा, आपको एडजस्टेबल मिलेगा डे नाइट एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको एक माइक मिलेगा, ग्रैब हैंडल इसके नॉर्मल मिलेंगे, कोई भी आपको यहाँ पे कैबिन लाइट नहीं मिलती। ये हो गया भाई इसका फ्रंट का पूरा तामझाम। हाँ, स्टेयरिंग बचा अब। अब अगर इसके स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग इसमें वही सेम ग्रे कलर के साथ मिलेगा, जैसा ग्रे कलर ये दूसरी जगह यूज़ किया गया है वही। यहाँ पे आपको ये कंट्रोल्स मिलेंगे म्यूजिक सिस्टम के लिए और टेलीफोनिक के लिए, यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे। बीच में आपको एक एयरबैग मिलेगा हॉर्न के लिए, हुंडई का लोगो है, एक एयरबैग आपको वहाँ मिलेगा। अगर इसकी एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता। यहाँ पे आपको ये सिल्वर इसमें टेक्सचर मिलेगा, इतना पार्ट जो सिल्वर कलर का मिलेगा, यहाँ पे आपको ये ग्रे मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको सिल्वर मिलेगा। और ये आपको मिल जाएगा इसका जो वाइपर है उसके लिए नोब, ये मिलेगा हेडलैम्प के लिए नोब। भाई स्टेयरिंग के ऊपर इतना ही था। अब अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ये है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बेसिक जो फीचर हैं वो सारे मिल जाएंगे। इस साइड आपको स्पीडोमीटर मिलेगा एनालॉग, उस साइड आपको मिल जाएगा ये आरपीएम मीटर, ये भी एनालॉग है। यहाँ पे कुछ वार्निंग लाइट्स मिलेंगी, कुछ वार्निंग लाइट्स ऊपर मिलेंगी। ये डोर के लिए भी इसमें वार्निंग जैसे ये आएगी, आगे वाला डोर ओपन है तो उसमें आगे वाला डोर दिखाएगा, पीछे वाला ओपन होगा तो पीछे वाला दिखाएगा, बूट ओपन है तो बूट भी दिखाएगा। यहाँ पे छोटा सा इसमें एनिमेशन टाइप का दिखेगा। ये वाइट कलर की इसमें छोटी सी MID मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको पेट्रोल का बार मिलेगा, यहाँ पे आपको CNG का मिल जाएगा, नीचे ओडोमीटर मिलेगा। अगर इसके ट्रिप की बात करूँ तो यहाँ पे ये छोटा सा नॉब दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे तो ट्रिप भी वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। 2-3 फीचर ही मिलते हैं इसमें, ज़्यादा फीचर नहीं मिलते। अब अगर इधर बात करूँ तो ये आपको CNG के लिए यहाँ पे स्विच मिलेगा, ये इसका जो हेडलाइट है उसका लेवलर मिलेगा। नीचे बात करूँ तो इसमें सेम वही 3 पेडल मिलेंगे। सीट को करता हूँ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट। स्पेस वगैरह तो भाई सारी चीज़ें वही होंगी जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में था, लेकिन पीछे वाले फीचर दिखा दूँ मैं एक बार आपको। डोर ट्रिम है जो वो भी सेम मिलेगा, सेम थीम है, ग्रे, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे सेम वही आपको मिल जाएंगे। पावर विंडो और डोर लॉक अनलॉक करने के लिए सेम सारा कुछ। ये इसकी सीट है, इसमें आपको बेंच सीट मिलेगी, सेम फैब्रिक का यूज़ किया गया है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। अब अगर बैठ के दिखाऊं तो स्पेस की बात करूं तो स्पेस भी इसमें आपको सेम मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं मिलती, इस साइड आपको एक पॉकेट मिल जाएगी। बीच में यहाँ पे आपको एसी के वेंट मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको बीच में एसी के वेंट मिलेंगे, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। हम्प की बात करूँ तो वो कम है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर यहाँ सीट पर बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा, इसमें फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे पीछे भी और आगे भी, इसमें आपको बीच में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। सीट बेल्ट की बात करूँ तो इसमें 3 सीट बेल्ट के ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर सीट की बात करूँ तो इसमें अच्छी खासी आपको कुशनिंग मिल जाएगी और फैब्रिक सीट मिलती है। यहाँ पे इसमें जो थाई सपोर्ट है वो भी आपको ठीक मिलेगा, कोई इसमें आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सीट के नीचे ऐसे लंबे पैर करके भी हम आराम से बैठ सकते हैं। 3 बंदे तो इसमें नहीं बैठ पाएंगे लेकिन 2 बंदे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था भाई इसका रियर का लुक। यहाँ पे एक ये मिल जाएगा ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक कैबिन लैंप बीच में मिलेगा, आगे की तरफ कोई भी कैबिन लैंप नहीं मिलता इसमें। ये हो गया भाई इसका रियर का लुक। पीछे की तरफ इसमें जो कुछ फीचर थे वो सारा कुछ बता दिया मैग्ना वेरियंट में। अब बात करते हैं इसके इंजन पे, दिखा दूँ एक बार मैं आपको, क्योंकि भाई बेस वेरिएंट है और CNG है, CNG का देखते हैं इसमें किस टाइप से फिटिंग की गई है। ये है भाई ग्रैंड i10 का मैग्ना वेरिएंट, और इसमें आपको मिलता है 4 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, कापा इंजन। और ये है इसका इंजन, यहाँ पे ये देखो CNG फिट की गई है, 4 पाइप गए हैं, 4 सिलेंडर के लिए एक एक पाइप गया है। यहाँ पे इसमें CNG की किट लगाई गई है, ये रही डोमेस्टो की इसमें किट मिलती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ABS के लिए,
ये किट है ABS का। यहाँ पे बाकी सारा कुछ है भाई इसका, वही जो आपको एक्सेंट में ओरा में मिलता है सेम वैसा इंजन मिलेगा। अगर इसकी पावर की बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगी 68 BHP की पावर मिलेगी और आपको मिलेगा 92 नैनोमीटर का टॉर्क। ये है भाई CNG में मैग्ना। इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा फीचर देने वाली गाड़ी है। आपको इसमें बैठ के नहीं लगेगा किसी बेस मॉडल गाड़ी में आप बैठे हैं। भाई वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।